दोस्तों, यदि आपका फ़ोन भी हैंग हो रहा है, किसी ने हैक करके रखा है, यहाँ पर दोस्तों तो बने रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक। आजकल दोस्तों एंड्रॉयड के किसी भी मोबाइल पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर आपको हैकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। किसी का फ़ोन हैक कर लिया, किसी का फेसबुक हैक हो गया, यहाँ पर किसी का जीमेल हैक हो गया, यहाँ पर किसी का व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। तो यहाँ पर बने रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे चेक करें मेरा जीमेल किसी ने हैक तो नहीं किया, आपका जीमेल किसी ने हैक किया है और किसने हैक कर लिया है, यहाँ पर किसने हैक करने की कोशिश की, ये सारा कुछ आपको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों, यदि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, दोस्तों यदि आपका फ़ोन हैक जीमेल हैक हो जाता है तो आपके फ़ोन का यह सारा डेटा उसके फ़ोन पर चला जाता है, और वो सारा डेटा आप अपने फ़ोन पर कब क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कुछ भी कर रहे हैं, तो सारा कुछ आपको अपने मोबाइल पर वो देखता रहता है यहाँ पर। तो दोस्तों, माई एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर आपकी वो लाइव लोकेशन देखता रहेगा, आपके फ़ोन पर क्या छेड़खानी किया क्या नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों, आप सतर्क हो जाइए और चेक कर लीजिए अपने मोबाइल को यहाँ पर तुरंत। आपको हमेशा देखते ही रहना है, चेक करते रहना है कि किसी ने आपका फ़ोन हैक तो नहीं किया। तो देखते हैं कैसे फ़ोन हैक होता है। यहाँ पर हैक चेक करने के लिए यहाँ पर आपको अपने प्ले स्टोर पर आना होगा। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर इस तरीके से अपने जीमेल के आइकन पर आना होगा। यहाँ पर जीमेल के आइकन पर आना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको एरो का निशान देखने को मिलेगा। अब एरो के निशान को यहाँ पर प्रेस करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो मैंने टोटली अपनी ही जीमेल आईडी बनाकर रखी, बट आपको यहाँ पर चेक कर लेना है यदि आपकी जीमेल आईडी छोड़कर किसी की दूसरे की जीमेल आईडी यहाँ पर लगी है, यानी जो जीमेल आईडी आपने बना रखी है अपने मोबाइल पर उसे छोड़कर कोई दूसरी जीमेल आईडी लगी है, तो यहाँ पर समझ लेना कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। तो आपको सिंपली से इस तरीके से आपको रिमूव कर देना है, यहाँ पर से जाकर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर से इस तरीके से आपको रिमूव कर देना है। यहाँ पर से अब रिमूव करने के लिए आपको सिंपली से अपने सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर गूगल्स पर आना है। गूगल्स पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट पर आना है। अकाउंट पर आने के बाद यहाँ पर से इस तरीके से आप यहाँ पर से देख सकते हैं जीमेल को आपको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर से दो तरीके से आप यहाँ पर से डिलीट कर सकते हैं। अकाउंट साइनिंग पर आना है। अकाउंट साइनिंग पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर से यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा किसी फ़ोन पर दूसरे तरीके से रहता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर से देख सकते हैं गूगल से यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर से पूरी जीमेल आईडी आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पर यदि आपके फ़ोन की जो जीमेल आईडी है उसे छोड़कर कोई दूसरी जीमेल आईडी तो यहाँ पर शो हो जाएगी और उसे आप आराम से यहाँ पर से डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से जाना है। अब यहाँ पर मोर पर जाना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव अकाउंट, यहाँ से आप जिस अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं, जो आपकी जीमेल आईडी नहीं है उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को हैक होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ।